इंजीनियर्स आज बात करने वाले हैं आईएस कोड 456 में क्या चेंजेस आने, क्या चेंज हो गया है इसमें, साथ ही साथ वो चेंजेस कैसे अपन लोग को इंपैक्ट करने वाले हैं, पूरा इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गोजी। आज हम बात करने वाले हैं आईएस कोड 456, जो हर एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस आए, क्या अपडेशन आए उसको जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे ये कब कब चेंजेस आए थे और क्या क्या अमेंडमेंट आ चुके हैं। ये 2020 में आया था तो अभी तक क्या कोई चेंजेस नहीं आए, आए हैं इसमें चेंजेस। सबसे पहले चेंज आया था 2001 में, जब ही बना था उसके अगले साल ही चेंज आ गया था। अब ये चेंजेस थोड़े से माइनर। उसके बाद 2005 में नया अमेंडमेंट आया, नए चेंजेस आए। उसके बाद फिर चेंजेस आए 2007 में, ये चेंजेस अधिकतर थोड़े से नॉमिनल थे, साथ ही साथ ये चेंजेस सब लोग इंप्लीमेंट कर चुके। उसके बाद मेजर जो चेंजेस आया 2013 में, वो काफी लोग अभी तक यूज नहीं कर रहे। साथ ही साथ 2019 के जो चेंजेस है वो पूरे इंजीनियर्स को पता ही नहीं है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये कहां पर पता है। तो अपन लोग यहां पर वीडियो में कुछ चेंजेस की बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोग को देने वाला हूं कि ये चेंजेस आप लोग कैसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको ये पूरे चेंजेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे पहला चेंज टेबल नंबर 2 पे ही आ गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है और साथ ही साथ इसका पेज नंबर 16 है। अब ये चेंज क्या हुआ, यहाँ पर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया, पहले भी ये ग्रेड थे अभी भी ये ग्रेड है, परंतु ध्यान से देखेंगे तो एक चेंज आ गया है। चेंज क्या आया, चेंज आ गया है कि जो स्टैंडर्ड ग्रेड था उसमें एक चीज को ऐड किया दिया गया है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में एक चीज को कम कर दिया। क्या M60 आपके हाई ग्रेड में आता था पुराने में, उसको चेंज किया गया है, M60 को स्टैंडर्ड ग्रेड में बना दिया है। मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहां से चालू हो रहा है, M65 से चालू हो रहा है, नहीं कि M60 से। अब इससे चेंजेस क्या आ रहे हैं, इससे चेंजेस ये आएंगे जहां पर भी आपको बोला जाता है स्टैंडर्ड ग्रेड के कंक्रीट यूज करना, वहां पर आप M60 तक यूज कर सकते हैं। वैसी कहीं अपन लोग बात जहां पर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत है, वहां पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा M65 से, M60 को आप यूज नहीं कर सकते, कहीं आपने M60 यूज किया तो वो गलत हो जाएगा। अब दूसरे चेंज की तरफ चलते हैं, ये चेंज 2007 में भी आ चुके थे, मैं जो बता रहा हूं वो कुछ चेंजेस 2007 में आए, कुछ चेंजेस 2019 में आए, दोनों को कंपाइल करके जो इंपॉर्टेंट वही आपको बता रहा हूं। कहीं वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो अब दूसरा चेंज की तरफ चल, जो कि पेज नंबर 25 में दिया है, क्लॉज नंबर 11.3.1। ये क्लॉज आप लोग को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये क्लॉज अपन लोग को बताता है कि फॉर्म वर्क कब निकालना है, इसके बारे में आपको पता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपने ये क्लॉज पढ़ा होगा, परंतु इसमें चेंजेस आ गया। ये क्लॉज में क्या चेंज आया है, अब नया क्लॉज देखते हैं। नए क्लॉज में क्या हो गया, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया फॉर्म वर्क को। फॉर्म वर्क को पहले से ही अलग अलग हिस्से में थे कि कौन सा फॉर्म वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका डिवीजन किया था कि उसको 24 घंटे में निकालना है, 3 दिन में निकालना है, 7 दिन में निकालना है। अब और ज्यादा डिवाइड कर दिया, वो कौन से चीज से बना है, कहीं कॉन्क्रीट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बना है, तो जो आप लोग ने लास्ट तक देखते आ रहे थे वो सही है, परंतु आज की डेट में देखिए कि बहुत एडमिक्सर्स हो रहे हैं, चीजें मिक्स करके बनाते हैं। तो अब इसके लिए अलग आ गया है कि आपने कहीं एडमिक्सर किया है तो उसकी सेटलिंग टाइम चेंज हो सकती है, स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो उसके कारण इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम चेंज हो सकती है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम चेंज हो गई तो क्या होगा, उसके फॉर्म वर्क के रिमूवल में भी चेंज आना चाहिए, मतलब शटरिंग के रिमूवल में चेंजेस आना चाहिए। कहीं वर्टिकल फॉर्म वर्क की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 16 से 24 घंटे थी, कहीं आपने दूसरा मटेरियल यूज किया, मतलब ओपीसी के साथ कोई मिक्सर यूज किया है या एडमिक्सर यूज किया है, तो भी आपका उतना ही रहेगा। कहीं बात करें सोफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब, स्लैब की फॉर्मवर्क की बात हो रही है, तो पहले था कहीं आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज किए तो 3 दिन, परंतु वो चेंज हो गया है अब 7 दिन, कहीं आपने उसमें एडमिक्सर यूज किया है। उसी तरह से कहीं आप बीम की बात करें, बीम की में था 7 दिन, वो 7 दिन से चेंज होके कितना हो गया है, 10 दिन हो गया है। अब बात करें प्रॉप टू स्लैब, मतलब स्लैब में जो प्रॉप यूज हो रहे थे उसकी बात करें, कहीं स्लैब 4.5 मीटर से कम है तो अपन लोग को 7 दिन तक फॉर्म वर्क रखना रहता था, वो चेंज हो गया है। कहीं हम लोग ने एडमिक्सर यूज किया है तो वो 10 दिन हो गया है। इसके बाद के कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसा था वैसा ही है। अब परंतु एक और नया क्लॉज आ गया है 11.3.1 में ही, एक और नया क्लॉज ऐड करने के लिए बोला गया है कि कहीं हम लोग फॉर्म वर्क निकालें तो किस बेसिस में, मैंने बताया था आपको स्ट्रेंथ के बेसिस में, वो कितने दिन की स्ट्रेंथ आ गई है इस बेसिस में, तो उसके साथ ही साथ जब अपन लोग एडमिशन किए तो आपको तो हमें उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी होती है क्यूब की, उस हिसाब से आ गया है कि नहीं, तभी अपन लोग फॉर्म वर्क रिमूव कर सकते हैं। कहीं हम लोग 3 दिन की बात करें तो 45% ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ अपन लोग उम्मीद कर रहे थे उसकी 45 आ जानी चाहिए। कहीं अपन लोग 7 दिन की बात करें तो 7 दिन में 60% की स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए,
और कहीं 14 दिन की बात करें तो 85 की स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है कहीं अपन लोग ने सीमेंट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं यूज किया, उसके जगह कुछ भी यूज किया, तब इस चीज का ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, कहीं आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस सीखना है, जो कि आप लोग को पता है लास्ट डेट कब थी, 15 अक्टूबर, कल ही लास्ट डेट थी, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 57,200, परंतु ये आप लोग को मिल जाता सिर्फ 14,847 में, तो इसका ऑफर खत्म हो गया है। परंतु आप लोग के लिए पास मौका है, क्योंकि कल के कॉल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसके कारण पूरे कॉल्स अटेंड नहीं हो पाए थे, इसके कारण आप लोग के पास मौका है आज कॉल करके इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल और सॉफ्टवेयर स्किल दोनों मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्किल की बात करें तो आपको एस्टीमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे कैसे करते हैं, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ ही साथ बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी मिलने वाला है। और कहीं सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको मिलने वाला है ऑटोकैड, ऑटोकैड के साथ आपको क्या मिलने वाला है, रिविट भी मिलने वाला है, गूगल स्केचअप भी मिलने वाला है, साथ ही ईटैब्स भी मिलने वाला है, उसके बाद 3D डिजाइन को और एक अच्छा करने के लिए आपको 3ds मैक्स भी मिलने वाला है, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत आसानी से सबमिट करने के लिए आपको मिलने वाला है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट MSP जिसे बोलते हैं। साथ ही साथ आप लोग को ये एडिशनल बेनिफिट्स, ये पूरे कोर्स जितने आपको रेड रंग के दिख रहे हैं, ये पूरे कोर्स आपको एडिशनल मिलने वाले थे, परंतु ये ऑफर आप लोग के लिए अभी भी बचा है, क्योंकि कॉल संख्या ज्यादा हो गई थी, पूरे कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो इसके कारण आप लोग के पास आज भी मौका है। तो कॉल कीजिए 9111001234, उसमें आप कॉल करके इसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लीजिए। और इसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलने वाले, पूरे कोर्सेज के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक में, IAS कोड में एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, पेज नंबर 13 स्टार्टिंग के पेज में 5.1 क्लॉज में। 5.1 क्लॉज क्या बताता था, सीमेंट की तीन कैटेगरी आपको पता हो गया, 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कहीं 43 ग्रेड या 53 ग्रेड, इसके लिए डिफरेंट IAS कोड बताया गया था कि इस IAS कोड में आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, परंतु वो चेंज हो गया है, तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट एक ही आपको कोड में मिल जाएगा। तो ये कैसे मिल सकता है, वो तो कोड पहले से बना हुआ, तो उन कोड में भी रिविजन हुआ है, तो उसमें जाके चेक करें। तो IAS 456 अपन लोग को ये बोलता है कि जितने भी मैंने कोड बोले थे उसमें सब कोड चेंजेस हुए हैं। ये पूरे कोड की डिटेल लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से कोड में चेंजेस हुआ है। अब जहां पर भी ये कोड लिखा है, जैसे IAS 269 दिया हुआ है, तो उसके साथ अब वो कोड पुराना वाला नहीं देखना है आपको, कौन सा देखना है, IAS कोड 269 2015। वैसी हर एक कोड के लिए अब आपको नए कोड देखना है। जैसे बात करूं 875 Part 3, जो कि आपका विंड लोड के लिए था, अब वो 2015 आ चुका है, तो 2015 का देखना है। इस तरह से पूरे कोड्स में अपडेट आ रहे हैं, अपन लोग को अपडेट के साथ चलना है, पीछे ना छूटना है। क्यों? क्योंकि ये अपडेट के साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को अपन लोग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गोजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गोजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।